देहरादून से दिल्ली जाने में जहां पहले लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब ये सफर महज 2 घंटे में तय की जा सकता है। 26 जनवरी को दरअसल यहां पर 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को 5400 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें उन्होंने दिल्ली से उत्तराखंड को जोड़ने वाली कई सड़कों का लोकार्पण किया। धर्मनगरी के वीआईपी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत जिले के कई बीजेपी विधायक मौजूद रहे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद और हरिद्वार के इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक साथ 5000 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। मुजफ्फरनगर से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से लाल तप्पड़, लाल तप्पड़ से देहरादून, रुड़की से भगवानपुर, देहरादून, इधर बाईपास सड़कें और 3-4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। हम नितिन गडकरी जी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आज हरिद्वार की पूरी काया पलट कर दी। आज मैं आपको जो रोड की आपकी प्रतीक्षा थी और आपने कहा 2.5 घंटे में और निशंक जी ने कहा 3 घंटे में, तो दिल्ली से डेहराडून आपके 2.5 और निशंक जी के 3 घंटे छोड़कर मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं 2 घंटे में आपको दिल्ली से डेहराडून पहुंचाऊंगा। 2 घंटे, क्योंकि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बनाया था तब 9 घंटे लगते थे और मैंने जब 2 घंटे की बात की तो लोग हंसते थे, और आपको बता रहा हूं ये होगा, क्योंकि दिल्ली से डेहराडून इकोनॉमिक कॉरिडोर से हरिद्वार के लिए भी आज नई कनेक्टिविटी मैं दे रहा हूं। ये केवल दिल्ली डेहराडून रोड नहीं है, ये दिल्ली हरिद्वार भी है, क्योंकि इसको, इस रोड को एक कनेक्टिविटी हरिद्वार के लिए हम देने का निर्णय किया है। इस मार्ग बन जाने से दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा 6 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगी। सहारनपुर बाईपास से 2000 करोड़ की लागत से 49 किलोमीटर का 6 लेन का नया मार्ग बनाया जाएगा। यह लिंक सहारनपुर बाईपास के पहले 10 किलोमीटर पर हलियोगा गांव से निकलकर आगे सहारनपुर और हरिद्वार जिले के बसेरा, मानकापुर, काटपेरी, रुड़की, मेहरकलान गांव से जाएगी और आगे यह गोल्डन फील्ड अलाइनमेंट बड़ेरी पर मिलेगी। यह कार्य अगस्त 2021 में अवार्ड हो जाएगा और मैं आपको बता रहा हूं 2024 में जनवरी में 26 जनवरी के पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा और मैं जरूर उस समय उद्घाटन करने के लिए डेहराडून या हरिद्वार आप जा कहेंगे वहां आऊंगा और 2 घंटे में दिल्ली से पहुंचकर वहां आऊंगा। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि इस नए मार्ग की घोषणा जो दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से डेहराडून एक्सप्रेस हाईवे की आज हो रही है, यह उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत अच्छी बात होगी।